जो हमारे पास कहलाते हैं हॉर्मोन्स। अब ये केमिकल्स कैसे होते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है कि हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं एक वक्त में, सही है? वो प्रोसेसेस अलग अलग लेवल्स पे हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल पे कुछ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, ब्रेन से इम्पल्स जा रही है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के अंदर दीगर ब्रेन अपने इस तरह से कह लें कि ऑर्डर देके काम करवा रहे हैं। उसके अलावा फिर हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, दिल ब्लड को पंप कर रहे हैं, ब्लड हमारी वेजल्स के जरिए सारे बॉडी के सेल्स तक जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, यूरिनरी सिस्टम अलग है, बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल पे काम हो रहा है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गन लेवल पे काम हो रहा है। क्या मतलब? स्टमक के अंदर अलग तरह की डाइजेशन हो रही है, खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में गया वहाँ अलग तरह की डाइजेशन हो रही है, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में गया वहाँ अलग तरह की डाइजेशन हो रही है, ठीक है? ऑर्गन लेवल भी हो गई। उसके अलावा फिर टिश्यू लेवल, हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल फंक्शन हो रहे होते हैं, यानी स्टमक के अंदर खाना तो डाइजेस्ट हो रहा है लेकिन स्टमक का कोई सा टिश्यू है या उस टिश्यू के अंदर कोई से सेल्स है, सेलुलर लेवल की भी हम साथ साथ बात कर लेते हैं, जो कि रिलीज कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो रिलीज कर रहे हैं कोई हार्मोन जैसे कि गैस्ट्रिन, कोई है कोई रिलीज कर रहे हैं प्रोटीन हार्मोन्स जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, यानी कि पेप्सिनोजन, पेप्सिन वगैरह। तो हमारी बॉडी में एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। इन प्रोसेसेस को करवाने के लिए हमारी बॉडी में दो तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, एक हमारे पास कहलाते हैं एंजाइम्स, दूसरे हमारे पास कहलाते हैं हॉर्मोन्स। हम बात करेंगे यहाँ पे हॉर्मोन्स की। तो हॉर्मोन्स हमारे पास कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, हमारे ब्लड के जरिए वो ट्रेवल करके जाते हैं और एक खास किस्म के सेल्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? बिल्कुल सिंपल सी मैंने बात बताई है। हॉर्मोन्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में रिलीज होते हैं, ब्लड के जरिए वो ट्रैवल करके दीगर ऑर्गन्स के पास जाते हैं और वहां जाके अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो हॉर्मोन्स हैं ये रिलीज कहाँ से हो रहे हैं? ये हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं बॉडी के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन से, और वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हमारे पास कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है? मैंने दो बातें बताई, हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर ब्लड के जरिए ट्रैवल करते हुए जाके स्पेसिफिक सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जहां से ये रिलीज हो रहे हैं वो हमारे पास कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जिन सेल्स को हार्मोन जाके अफेक्ट कर रहे हैं वो सेल्स कहलाते हैं टारगेट सेल्स या टारगेट ऑर्गन्स। तो आपको हार्मोन की डेफिनेशन में तीन बातें याद रखनी है जो मैंने आपको बताई, कि हार्मोन आर स्पेशल केमिकल्स सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एंड इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक सेल्स। और ये स्पेसिफिक सेल्स क्या कहलाते हैं? ये हमारे पास कहलाते हैं टारगेट सेल्स। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को जो बात बताई है कि हॉर्मोन्स जाते हैं और जाके स्पेसिफिक सेल्स को एक्ट करते हैं टारगेट सेल्स को, तो ये बाकी सेल्स को क्यों नहीं करते है? सर, अगर हॉर्मोन रिलीज हो रहा है उसको तो सब सेल्स को स्टिमुलेट करना चाहिए। इसको हम बस थोड़ी सी देर रुक जाए, अभी आगे ही इसके ऊपर एक पूरा डिटेल में टॉपिक आने वाला है कि क्यों हॉर्मोन्स कुछ सेल्स को अफेक्ट करते हैं और बकिया सेल्स को अफेक्ट नहीं करते। बट बिफोर वी मूव टू दैट पार्ट ऑफ द लेक्चर, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो कहलाता है केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत छोटा सा लेकिन एमसीक्यू के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि पेपर के अंदर जो आपके एमडी गाइड होते हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन, बेसिकली केमिकल नेचर की बेसिस पे हमारे पास तीन किस्म के हॉर्मोन होते हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं पेप्टाइड या प्रोटीन हॉर्मोन्स, दूसरे हमारे पास कहलाते हैं स्टेरॉयड हॉर्मोन्स, और तीसरे हमारे पास कहलाते हैं मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स। पेप्टाइड एंड प्रोटीन, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, स्टेरॉयड, ये तीन तरह के हमारे पास हॉर्मोन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। पहले हम बात करेंगे पेप्टाइड या प्रोटीन हॉर्मोन्स की। व्हाट आर पेप्टाइड एंड प्रोटीन हॉर्मोन्स? वो हॉर्मोन्स जो अमाइनो एसिड की शॉर्ट या लॉन्ग चेन से बने हुए। अगेन, वो हॉर्मोन्स जो अमाइनो एसिड की शॉर्ट या लॉन्ग चेन से बने हुए हो वो हमारे पास कहलाते हैं पेप्टाइड और प्रोटीन हॉर्मोन्स। नाउ मैंने द वर्ड चेन इसके ऊपर बहुत एम्फसाइज किया, उसकी क्या वजह अभी आके आपको समझ में खुद ही आ जाएगी। तो सर, पेप्टाइड हॉर्मोन कब होता है, प्रोटीन हॉर्मोन कब होता है? अगर अमाइनो एसिड की छोटी चेन है 10, 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80 अमाइनो एसिड उसके अंदर है, दिस वुड बी कॉल्ड अ पेप्टाइड हॉर्मोन। लेकिन अगर अमाइनो एसिड की बहुत लंबी लंबी चेन्स हैं, 150, 200, 300, 400, 500 अमाइनो एसिड्स हैं,
तो दिस वुड बी कॉल्ड अ प्रोटीन हार्मोन. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेप्टाइड एंड अ प्रोटीन हार्मोन, कि अगर छोटी चेन से बने हुए हैं तो पेप्टाइड, और अगर बड़ी चेन से बने हुए हैं तो वो हमारे पास कहलाएंगे प्रोटीन हार्मोन्स. कुछ एग्जाम्पल्स क्या होती है पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स की, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, कैल्सिटोनिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास होती हैं पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स की, ठीक है. दूसरे हमारे पास आते हैं मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन. इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर मुझे कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, कि ये वो हार्मोन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बने हुए होते हैं. वेरी सिंपल, बॉडी के अंदर तीन ऐसी जगहें हैं या तीन ऐसे ग्लैंड्स या ग्लैंड्स के पार्ट्स हैं जहां पे ये हार्मोन्स बन रहे होते हैं. एक हमारे पास कहलाता है एड्रीनल मेड्यूला, दूसरा हमारे पास कहलाता है थायराइड ग्लैंड, और तीसरा हमारे पास कहलाता है पाइनियल ग्लैंड. इन तीन जगहों पे मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स बन रहे होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एड्रीनल मेड्यूला की. अब एड्रीनल मेड्यूला होता क्या है? आप लोगों ने शायद अभी तक अपनी, जो लोग सेकेंड ईयर से हैं, और आई होप मतलब एक्सपेक्टेडली सब लोग सेकेंड ईयर से होंगे यहाँ पे, एफएससी सेकेंड ईयर या A2 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा होम्योस्टेसिस का चैप्टर. होम्योस्टेसिस के अंदर क्या आपने पढ़ा था? एक ऑर्गन पढ़ा था जिसका नाम थी किडनी, और किडनी के ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल शेप का ग्लैंड मौजूद होता है जो हमारे पास कहलाता है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है. इस एड्रीनल ग्लैंड के हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं. वो दो पोर्शंस कौन से होते हैं, मैं जल्दी से बस अपने पॉइंटर को बुला लेता हूँ, ठीक है. ये मेरे पास एड्रीनल ग्लैंड है. इस एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एक है अंदर वाला पार्ट रेड वाला जो हमारे पास कहलाता है एड्रीनल मेड्यूला, और एक है बाहर वाला पार्ट जो हमारे पास कहलाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स. तो हम कॉर्टेक्स की बात नहीं करेंगे, कॉर्टेक्स की बात हम करेंगे जब एड्रीनल ग्लैंड की हम पूरी बात करेंगे. अभी हम सिर्फ एड्रीनल मेड्यूला की बात करें, तो जो एड्रीनल मेड्यूला है ये दो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स बनाते हैं. इन मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स का नाम क्या है? एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन. एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम होता है एड्रेनलिन, और नॉरएपिनेफ्रीन का दूसरा नाम होता है नॉरएड्रेनलिन, ठीक है. अभी तक हमने क्या बात की कि मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स वो होते हैं जो कि अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बने हुए होते हैं. बॉडी में तीन ऑर्गन्स या तीन ग्लैंड्स के पार्ट्स हैं जो ये बना रहे होते हैं, एड्रीनल मेडुला, थायराइड ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड. एड्रीनल मेडुला क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड के अंदर वाला पार्ट जो दो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स बनाते हैं. इन मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स के नाम होते हैं एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन, और इनका दूसरा नाम होता है एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन. इस यहाँ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पेपर में बहुत दफा पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि एपिनेफ्रीन इज ऑल्सो कॉल्ड या नॉरएपिनेफ्रीन इज ऑल्सो कॉल्ड, और नीचे ऑप्शन दिए हुए होते हैं और ये उनके दूसरे नाम आपको दिए हुए होते हैं. या तो वो आपको ये ब्रैकेट वाला नाम देंगे और फिर ये वाला नाम पूछेंगे. तो ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन पेपर में आता है. एनीवेज, ये जो एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन है ये जिस अमाइनो एसिड से आपके पास बनते हैं वो अमाइनो एसिड आपके पास कहलाता है टायरोसिन, और इन दोनों हॉर्मोन्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं कैटेकोलामाइंस, ठीक है. जिन जिस अमाइनो एसिड से ये दोनों हॉर्मोन्स बनते हैं वो कहलाता है टायरोसिन, उस अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन, और इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कैटेकोलामाइंस, ठीक है. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए वरना हम आगे बढ़ते हैं. ओके, चैट में आई डोंट थिंक किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमारे पास आता है थायराइड ग्लैंड. सबको पता है थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कि हमारी नेक की बेस पे एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड मौजूद होता है जो कहलाता है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड बनाता है तीन हॉर्मोन्स, ठीक है. थायराइड ग्लैंड कितने हॉर्मोन्स बनाते हैं? तीन हॉर्मोन्स बनाता है, पर उसमें से जो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं. क्या मतलब? बेसिकली थायराइड ग्लैंड तीन हॉर्मोन्स बनाता है. एक हमारे पास कहलाता है ट्राई आयोडोथायरोनिन या T3, टेट्रा आयोडोथायरोनिन या T4 जिसका दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन, और तीसरा हार्मोन बनाता है कैल्सेटोनिन. लेकिन इन तीनों हार्मोन्स में से सिर्फ दो यानी कि T3 और T4 मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन्स होते हैं, जबकि कैल्सिटोनिन ये वाला हार्मोन नहीं होता. कैल्सिटोनिन कौन सा होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, चैट में कौन बताएगा? तो बताएगा चैट में क्या कि कैल्सिटोनिन कौन सा हार्मोन होता है? पिछली साइड पे लिखा हुआ नहीं था, मैं रिपीट कर दूं. कैल्सिटोनिन जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास पेप्टाइड हॉर्मोन, ठीक है. कैल्सिटोनिन इज अ पेप्टाइड हॉर्मोन, कैल्सिटोनिन इज नॉट अ मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन.
तो थायराइड ग्लैंड रोल तीन हार्मोन बना रहे हैं, T3, T4, कैल्सिटोनिन। T3 और T4 उसमें से मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन होते हैं, कैल्सिटोनिन पेप्टाइड हार्मोन होता है, उसका हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे। T3 और T4 जो है वो दोनों के दोनों हार्मोन्स सेम अमाइनो एसिड यानी कि टायरोसिन से बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये थायराइड ग्लैंड के दो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन होते हैं। अच्छा, अगर इससे पहले मैं आगे बढ़ू, मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ कि पेपर में वो अब आपको ये किस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट एवरी वन टू रिस्पॉन्ड इन चैट, गलत बताने गलत बता दे, डजेंट मैटर, लेकिन बस चैट में जो भी आ रहा है आपको बता रहा हूँ। पेपर में वो आपको या तो एक क्वेश्चन दे देंगे कि द मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स इंक्लूड, उसमें आपके पास ऑप्शन है T3, T4, नहीं बल्कि नहीं, उसमें आपके पास ऑप्शन है T3, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। द मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स इंक्लूड T3, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड कैल्सिटोनिन। वेरी गुड, सबने बताया, बता दिया T3। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, द मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स इंक्लूड एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, T3, T4, ऑल ऑफ दीज। अब क्या आंसर होगा? अब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, द थायरॉयड ग्लैंड हॉर्मोन्स इंक्लूड T3, T4, कैल्सिटोनिन, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दीज। द थायरॉयड ग्लैंड हॉर्मोन्स इंक्लूड T3, T4, कैल्सिटोनिन, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दीज। यानी आप लोग आधे लोग कह रहे हैं कि बोथ ए एंड बी, आधे लोग कह रहे हैं कि ऑल ऑफ दिस। अब आप लोगों ने क्वेश्चन को नहीं देखा, उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स कौन से हैं, उन्होंने हमसे पूछा है कि भाई थायराइड हॉर्मोन्स कौन से। तो थायराइड हॉर्मोन में अभी तो मैंने बताया कि T3 भी आता है, T4 भी आता है, कैल्सिटोनिन भी आता है। कैल्सिटोनिन मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन नहीं है, लेकिन थायराइड हॉर्मोन तो वो है। तो अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, द थायरॉयड हॉर्मोन्स इंक्लूड T3, T4, कैल्सिटोनिन, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? वेरी गुड, सब कह रहे हैं ऑल। अच्छा, अब उन्होंने हमसे आपसे क्वेश्चन पूछा, द मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इंक्लूड, दोबारा सुने, द मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हॉर्मोन्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इंक्लूड T3, T4, कैल्सिटोनिन, बोथ बी, ऑल ऑफ दीज। अब क्या आंसर होगा? वेरी गुड, आप सब सही कह रहे हैं। तो बस ये चीज है कि आपको बात, एक बात बिल्कुल सिंपल सी है, वो पूछते किस तरह से, दैट्स डिफरेंट। और एक बड़े वो क्या देंगे, एक तो वो आपको देंगे कुछ नहीं लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, वो कुछ भी नहीं लिख सकते, वो सीधा सीधा लिख देंगे सेलेक्ट दी ऑड वन आउट। बस क्वेश्चन है सेलेक्ट दी ऑड वन आउट। ऑप्शन आपके पास क्या है? T3, T4, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन। अब क्या आंसर होगा? सेलेक्ट दी ऑड वन आउट, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में से वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें जो बाकियों से मुख्तलिफ है। और ऑप्शन क्या है? T3, T4, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। सही है, कैल्सिटोनिन। आप सब कह रहे हैं ऑड वन आउट है, वजह क्या, वजह है क्यों वो ऑड वन आउट है, बाकी 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 से वो क्यों मुख्तलिफ है? वेरी गुड, क्योंकि वो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन नहीं है, बल्कि वो एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो वो अक्सर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या बात हुई, इन्होंने तो सारे थायरॉयड हार्मोन लिखे हुए, इसमें ऑड वन आउट कैसे निकाला? तो दिस इज हाउ यू डू द ऑड वन आउट, ठीक है। तो इस चीजों, इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एड्रिनल मेड्यूला, थायराइड ग्लैंड, और जो आखिरी हमारे पास है पाइनियल ग्लैंड, उसकी बात करते हैं। पाइनियल ग्लैंड क्या होता है? हमारे ब्रेन की बेस पे एक बहुत छोटा सा मटर के दाने जितना ग्लैंड होता है, मटर के दाने से भी छोटा ग्लैंड होता है बल्कि, वो कहलाता है हमारे पास पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। ये आपके पास ब्रेन आ गया, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, ये हाइपोथैलेमस आ गया, और ये बैक साइड पे छोटा सा पाइनियल ग्लैंड मौजूद होता है। पाइनियल ग्लैंड से वेव हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन, और जिस अमाइनो एसिड से ये मेलाटोनिन बनता है वो अमाइनो एसिड आपके पास कहलाता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड से वेव हार्मोन बनाता है जो कहलाता है मेलेटोनिन, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन है,
और ट्रिप्टोफैन से बना हुआ होता है। मेलेटोनिन का काम, वैसे मैं बता देता हूँ, लिखा हुआ नहीं है। मेलेटोनिन का काम होता है आपकी स्लीप वेक साइकिल को इफेक्ट करना, आपके सोने उठने की जो साइकिल होती है, जो सर्कैडियन रिदम्स होती हैं, उसको अफेक्ट करने का काम होता है मेलेटोनिन का। अच्छा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं मेलेटोनिन और एक और सिमिलर हार्मोन होता है जो कहलाते हैं मेलेनिन। ठीक है, मेलेनिन बिल्कुल अलग है, नाम थोड़ा बहुत सेम है लेकिन दोनों का काम अलग है, दोनों सिक्रीट अलग जगह से हो रहे हैं। मेलेटोनिन आ रहा है पाइनल ग्लैंड से, मेलेनिन आ रहा है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये दोनों बिल्कुल अलग है। मेलेनिन का काम होता है आपकी स्किन पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करना, मेलाटोनिन का काम होता है आपकी स्लीप वेक साइकिल सर्कैडियन रिदम को स्टिमुलेट करना। तो दोनों बिल्कुल अलग है, ये चीज का ध्यान में रखिएगा, मेलाटोनिन एंड मेलेनिन अलग अलग है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेरॉयड हॉर्मोन, नाम से ही पता चल रहा है, वो हॉर्मोन जो कि स्टेरॉयड यानी कि फैट से बने हुए होंगे वो हमारे पास कहलाएंगे स्टेरॉयड हॉर्मोन। स्टेरॉयड हॉर्मोन बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में एक तरीके का खास किस्म का लिपिड होता है जो कहलाता है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल की मॉडिफिकेशन से हमारे पास स्टेरॉइड हॉर्मोन्स बन रहे होते हैं। स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ भी आ गया कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेस, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि खुद ही फैट से बने हुए होते हैं। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बायलेयर होती है, उसके नाम में लिपिड आ रहा है, अब तो वैसे में सवाल करने वाला था कि वो किससे बनी हुई होती है, लेकिन जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड से बनी हुई होती है, स्टेरॉयड हॉर्मोन्स भी लिपिड से बने हुए होते हैं, तो ये आसानी से आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। स्टेरॉयड हॉर्मोन्स की एग्जाम्पल क्या है, आपने दो याद रखने और बाकी सबके लिए छोटी सी ट्रिक है, कॉर्टिसोल और ईस्ट्रोजन, ये दो नाम आपने याद करने हैं, कॉर्टिसोल और ईस्ट्रोजन। बाकी जितने भी ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनके एंड पे ओ एन ई आ रहा है, ओन या वन, इसका मतलब वो स्टेरॉयड हॉर्मोन है। कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन और उसके अलावा वो तमाम हॉर्मोन्स जिनके एंड पे ओ एन ई वन आ रहा है, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी होने वाले हॉर्मोन्स, इससे रिगार्डिंग अभी मैं क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा तो इसको ध्यान में रखिए। तो ये हमारे पास होते हैं स्टेरॉयड हॉर्मोन्स। ठीक है, अब हमारे पास आता है हॉर्मोन एक्शन। मैं बस एक बात बताता चलूं आप लोगों को कि हमारे पास ये जो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन है ना, ये हमारे पास, आप लोगों को वैसे पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई बता सकते हैं कि ये कहाँ पे, क्या कहते हैं, इसका इन हॉर्मोन्स का बॉडी में एक खास फंक्शन होता है, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स होता है उसके लिए आपको बॉडी के लिए प्रिपेयर करी होती है। वेरी गुड अब्बास, अब्बास ने बोला फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो जो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन है वो आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जिया ने बोला एंड्रोजन इज ऑल्सो आ स्टेरॉयड हार्मोन, बिल्कुल जिया, एंड्रोजन इज ऑल्सो ए स्टेरॉयड हार्मोन, लेकिन एंड्रोजन इटसेल्फ इज नॉट अ हार्मोन, एंड्रोजन इज द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स और उस ग्रुप के अंदर दीगर हार्मोन्स आते हैं, डाईहाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं, आपके उसके अंदर नहीं है, क्या कहते हैं, आपके सिलेबस में वो नहीं लिखे हुए, लेकिन एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, एंड्रोजन इज नॉट अ हार्मोन। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे हार्मोन एक्शन पे, बट बिफोर वी मूव देयर लेट अस सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन premed.net.pk। अच्छा, जस्ट बाय द वे, जो वेबसाइट है premed.net.pk, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग जाएं आज जाके आप इस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, आपको हमें दीगर चीजें मिलेंगी, टॉपिकल एमसीक्यूज, पास पेपर, मॉक्स, फलाना फलाना, बहुत बहुत सारी फीचर आपको हमें मिलेंगे। हमारी क्योंकि अभी क्लास हो रही है तो मैं आपको जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ। तो टॉपिकल एमसीक्यूज में हम गए, उसके बाद हम बायोलॉजी में गए, हम नीचे आए और हमने खोला कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये रहा हमारे पास है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब हम इससे रिलेटेड जो जितना अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका आंसर मुझे बताएं जल्दी से, क्या आंसर होगा, Which of the following is not secreted by thyroid gland? The glucagon, glucagon, glucagon. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके अलावा इसका मुझे भी बताएं क्या आंसर होगा। The hormones dash are hormones are called fight and flight hormones and they prepare the body for stressful situations. सही है, जितने लोग कह रहे हैं बी वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, किसी ने बोला ए, तो उन्होंने
पहले ऑप्शन के लिहाज से तो बिल्कुल सही बोला, लेकिन दूसरा एल्डोस्टेरॉन है, तो ये दोनों कभी भी नहीं होंगे। हाँ, अगर ये नॉर एड्रेनलिन होता तो फिर आंसर ये होगा, लेकिन अभी इसका आंसर है बी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट कितनी फास्ट है। अगेन इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जाए अकाउंट बनाए, मदद से क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई रोक टोक नहीं। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोन? स्टेरॉइड, प्रोटीन, कैटेकोलामाइन, पेप्टाइड? सब कह रहे हैं ए। वजह क्यों? ये स्टेरॉइड हार्मोन हमें कैसे पता चला? हमने अभी तक तो कॉर्टिसोन तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, कॉर्टिसोल पढ़ा था, कॉर्टिसोन तो हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा। तो क्या वजह आप लोग बोल रहे हैं स्टेरॉइड हार्मोन है? वेरी गुड, जो मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि जिस हार्मोन के एंड में ओ एन ही आ जाएगा वो स्टेरॉइड हार्मोन है। तो दिस इज हाउ यू प्ले विद दैट। जो एंड्रोजन हैं, जो आपके सिलेबस पे नहीं है, अगर वो दे भी दें आपको पेपर में, अगर उन्होंने आपको पेपर में एंड्रोजन दे भी दिए, उन एंड्रोजन के एंड भी ओन आ रहा होता है, तो वो भी आप आराम से इस ट्रिक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन लेकिन दूसरी तरह से पूछा हुआ है, विच हार्मोन इज केमिकली आ स्टेरॉइड? जी दीपक, टेस्ट एंड एवरीथिंग इस वेबसाइट के ऊपर जितनी चीजें हैं वो आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट हमारी फ्री है, जो हमारे प्री मेडिकल प्लेटफॉर्म। कॉर्टिसोन वेरी गुड, ये तो अभी हम पढ़ के भी आ रहे हैं। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम वापस अपने लेक्चर पे जाते हैं। क्या आंसर होगा इसका? कैल्सिटोनिन कौन सी क्रिएट करता है? मेरे ख्याल में पैंक्रियाज करते हैं, आप लोगों को क्या लगता है? वेरी गुड, थायराइड ग्लैंड कॉर्टिस कैल्सिटोनिन को सिक्रीट कर रहा होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव बैक टू आवर टॉपिक जिसका नाम है हार्मोन एक्शन। आप लोगों को मेरी हार्मोन एक्शन वाली स्लाइड नजर आ रही है? ठीक है, अच्छा, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है ना, आप लोग उनको संभाल के रखिएगा चैट में, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से मैसेजेस आ रहे होते हैं तो क्वेश्चन कभी कभार मिस हो जाता है, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड वो सारे क्वेश्चन मैं एट द एंड ऑफ द क्लास एड्रेस करूंगा। उन्हें एड्रेस किए बगैर हम क्लास को एंड नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन अपने याद रखें, चाहे तो चैट में भेज दें, फिर बाद में कॉपी करके वापस भेज दीजिएगा जब मैं क्वेश्चन का पूछूंगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हार्मोन एक्शन की। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं। ठीक है, ये वाली बात पढ़ी थी। मुझे कौन बताएगा कि जो ब्लड होता है वो बॉडी के कौन से पार्ट में जाता है? मतलब ये नहीं पूछना कहाँ से पंप होता है, और ये नहीं पूछ रहा किसके अंदर जाते हैं, वेजल्स नहीं पूछना, लेकिन बॉडी से, बॉडी के कौन से ऑर्गन्स या कौन से सेल्स होते हैं जिनको ब्लड सप्लाई चाहिए होती है? बॉडी के कौन से सेल्स होते हैं जिनको ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है? इतना साइंटिफिक नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक पूछ रहा हूँ। क्या हमारे ब्रेन के सेल्स को ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है, या के या पैरों के, या हाथों के? वेरी गुड, आप लोगों ने बोला सारे ऑर्गन्स को। ठीक है, आप लोगों ने बोला कि ब्लड सप्लाई जो होती है वो बॉडी के तमाम ऑर्गन्स और तमाम सेल्स को चाहिए होती है। थोड़ी देर पहले जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ पे रिलीज होते हैं? हार्मोन्स कहाँ पे रिलीज होते हैं? ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, बिल्कुल शाबाश। तो अब मुझे एक बात बताएं, अगर हॉर्मोन्स ब्लड के अंदर रिलीज हो रहे हैं और ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, तो हॉर्मोन्स पूरी बॉडी में ऐड क्यों नहीं कर रहे? जब हॉर्मोन्स ब्लड के अंदर रिलीज हो रहे हैं और ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, सर से लेके पैर तक, तो फिर हॉर्मोन्स हर जगह, हर हॉर्मोन्स को हर जगह काम करना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास हॉर्मोन्स होते हैं उनके कुछ खास टारगेट सेल्स होते हैं, कुछ खास ऑर्गन्स होते हैं, और वो हॉर्मोन सिर्फ उन ऑर्गन्स या उन स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर ही काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने भी है कि जब हार्मोन किसी ग्लैंड से रिलीज होता है तो वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ टारगेट सेल्स के ऊपर ही एक्ट करता है। इसकी वजह ये होती है कि जो टारगेट सेल्स होते हैं, जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर खास किस्म के रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं उस हार्मोन के लिए। मिसाल के तौर पे अगर हमारी लेग से, हाइपोथैलेमस एक बॉडी का पार्ट होता है, अभी हम आगे पढ़ लेंगे, वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये ट्रेवल तो पूरी बॉडी में करेगा, लेकिन इस हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड के ऊपर लगे हुए होंगे। तो चाहते हुए भी ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
किसी दूसरे ऑर्गन को स्टिमुलेट नहीं कर सकता। वाई? रिसेप्टर्स ही नहीं है, हॉर्मोन जाके लग ही नहीं पाएगा तो इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? पूरी बॉडी में घुमा, स्टमक के पास गया, इंटेस्टाइन्स के पास गया, पैनक्रियास के पास गया, एड्रिनल ग्लैंड के पास गया, पर वहां पे उसके रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, इस वजह से वहां पे एक्ट नहीं कर पाया। तो हमें ये बात पता चलती है कि जो हॉर्मोन्स हमारे पास होते हैं उनके कुछ खास सेल्स होते हैं जिनके ऊपर वो काम करते हैं, और उन खास सेल्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो कहला रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जिनके ऊपर हार्मोन जाके अपना काम करता है, अपना एक्ट करता है। अगर किसी की सेल के पास वो रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो भले ही वहां हार्मोन पहुंचेगा तो, पर वहां पे काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये दो जगह मौजूद होते हैं। या तो ये सेल की सरफेस पे मौजूद होंगे यानी कि सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होंगे, या तो ये सेल के अंदर मौजूद होंगे। सही है, सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं या साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है या सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई कौन सा हार्मोन जो है वो किस तरह से काम करता है। बेसिकली हार्मोन्स के केमिकल नेचर की बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होंगे। सही है कि हार्मोन बना हुआ कैसे, क्या हार्मोन अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन प्रोटीनेशियस है, ये क्या हम जो हार्मोन है वो स्टेरॉइड से बना हो, इसकी बेसिस पे हमारे पास दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं हार्मोन्स के ऐड करने के। पहले हम बात करेंगे प्रोटीन हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब प्रोटीन हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? देखिए, प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन वो फैट सोल्यूबल नहीं होते। तो मुझे एक बात बताएं, क्या ऐसी सिचुएशन में प्रोटीन हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे? प्रोटीन हॉर्मोन्स फैट सोल्यूबल नहीं होते, वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। तो प्रोटीन हॉर्मोन्स तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, तो इसके रिसेप्टर का क्या करें? इसी वजह से जो प्रोटीन हॉर्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर। सही है, प्रोटीन हॉर्मोन्स के रिसेप्टर्स मौजूद है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर यूं करके लेट्स से ये रहा हमारे पास रिसेप्टर यूं करके लगा हुआ। अब ये जो प्रोटीन हार्मोन है ये जाके सेल की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा और वहां पे अपना काम करवाएगा। काम किस तरह से करवाएगा? बेसिकली होता ये है कि जब एक प्रोटीन हार्मोन जाके अपने रिसेप्टर के ऊपर लगता है तो वो रिसेप्टर सेल के अंदर कुछ खास एंजाइम्स को एक्टिवेट करवा देता है। उस खास एंजाइम का नाम क्या होता है, स्लाइड पे नहीं लिखा हुआ, मैं आप लोगों को चैट में लिख के भेज देता हूँ। उस खास एंजाइम का नाम होता है एडेनाइलाइल साइक्लेस या एडेनाइलेट साइक्लेस। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब प्रोटीन हार्मोन जाके अपने रिसेप्टर पे लगेगा, मैंने चैट में आप लोगों को नाम भेज दिया है, तो वो रिसेप्टर सेल के अंदर एक एंजाइम को एक्टिवेट करवा देगा जिसका नाम होता है एडेनाइलाइल साइक्लेस या एडेनाइलेट साइक्लेस। ये एडेनाइलाइल साइक्लेस क्या करेगा? ये सेल के अंदर मौजूद एटीपी एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू एएमपी या सीएएमपी, साइक्लिक एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट या कैंप के अंदर। ठीक है, एडेनाइलेट साइक्लेस प्रोटीन हार्मोन गया, प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर पे लगा, इस रिसेप्टर ने सेल के अंदर एडेनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट कर दिया, एडेनाइलेट साइक्लेस ने एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया। अभी जो साइक्लिक एएमपी है ये हमारे पास कहलाएगा सेकेंड मैसेंजर। वाई? बिकॉज ये साइक्लिक एएमपी जाएगा और जाके सेल के अंदर दीगर काम करवाना शुरू कर देगा। किस तरह के काम करवाना शुरू कर देगा? जैसे कि मिसाल के तौर पे सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ाना है, सेल के अंदर सेल को स्वेल करना है, सेल को श्रिंक करना है, सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाना है, सेल की डिवीजन को बढ़ाना है, कोई भी ऐसे काम होंगे तो ये जो सेकेंड मैसेंजर है, ये जो कैंप है, ये जाके करवाना शुरू कर देगा। एंड दिस इज हाउ द प्रोटीन हॉर्मोन्स वर्क। प्रोटीन हॉर्मोन आया, अपने सेल सरफेस रिसेप्टर पे लगा, रिसेप्टर ने एडेनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करवा दिया, एडेनाइलेट साइक्लेस ने एटीपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी के अंदर, जो कि बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, और साइक्लिक एएमपी कहलाते हैं सेकंड मैसेंजर, जो आल्सो बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, और ये सेकंड मैसेंजर जाके आपकी सेल के अंदर दीगर काम करवा देगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रोटीन हार्मोन का। ये देखिए, प्रोटीन हार्मोन ब्लड से आया, ब्लड से आके अपने रिसेप्टर पे लगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, याद रखने की जरूरत नहीं है,
इस रिसेप्टर के, इस रिसेप्टर ने क्या किया, एडेनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करवा दिया। एडेनाइलाइल साइक्लेज ने एटीपी को कन्वर्ट किया साइक्लिक एएमपी ने, और साइक्लिक एएमपी ने जाके सेल के अंदर दीगर काम करवाना शुरू कर दिए। दिस इज हाउ अ प्रोटीन हार्मोन वर्क्स। किसी का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी, किसी को कोई कंफ्यूजन ना समझ में आया हो बिल्कुल पूछे, दोबारा पूछे कि सर ये वाली बात बता दें, वाली बात बता दें। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो मेरा हम आगे बढ़ता है, ठीक है? आई वेट 8 सेकेंड्स। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नो क्वेश्चन, चल अब हम आगे बढ़ते। प्रोटीन हॉर्मोन्स के बाद हमारे पास है, आई डिडेंट गेट दिस मैकेनिज्म पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? ऋषभ बताएंगे कौन सा वाला मैकेनिज्म पार्ट? फॉल हेड है। चलें दोबारा जल्दी से हम इसको ओवरव्यू कर देते हैं, जो बाकी लोग हैं उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, मतलब उनको और अच्छे समझ में आ जाएगा, उनका रिवाइज हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने बोला कि जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वाटर सोल्यूबल। ये याद रखिएगा, बेसिक सी चीज है, जो भी चीज वाटर सोल्यूबल है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। सही है, जो चैनल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन वाली बात किस लोगों के जहन में आ रही होगी ना, उसके जरिए भी वो ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकती, वो अलग चीज है, वो जब हम सेल का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन बस ये याद रखें कि जो चीज वाटर सोल्यूबल है वो सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकती। तो क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटीन हार्मोन्स क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये सेल के ऊपर इनके रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो कहलाते हैं जी प्रोटीन, जो कहलाते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स। नाम याद रखना जरूरी नहीं है। प्रोटीन हार्मोन आया, अपने रिसेप्टर के ऊपर लग गया। इस रिसेप्टर ने क्या किया कि मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड एक एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। उस एंजाइम का नाम था एडेनाइलाइल या एडेनाइलेट साइक्लेज। इस एडेनाइलेट साइक्लेज ने हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं एनर्जी करेंसी जो कहलाती है एटीपी, उस एटीपी को कन्वर्ट किया साइक्लिक एएमपी के अंदर। ये जो है साइक्लिक एएमपी, ये हमारे पास कहलाएगा सेकेंड मैसेंजर, क्योंकि ये साइक्लिक एएमपी आगे जाएगा और सेल के अंदर जो भी काम करवाना है वो वाला काम करवा देगा। सेल की परमिएबिलिटी बढ़ानी है, बढ़ा देगा। सेल की डिवीजन बढ़ानी है, बढ़ा देगा। तो वो आप लोगों ने मिल सकते गाना सुनाओ, जो चाहेगा मिल जाएगा। तो बेसिकली साइक्लिक एएमपी कहते हैं कि जो चाहेगा मिल जाएगा, जो काम सेल के अंदर करवाना है वो काम हम सम सेल के अंदर करवा रहे हैं, ठीक है? दिस इज हाउ प्रोटीन हार्मोन वर्क्स। ब्लड सप्लाई से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन किया था कि बेसिकली देखिए हॉर्मोन्स ब्लड के अंदर रिलीज हो रहे हैं, और मैंने पूछा ये था कि ब्लड सप्लाई कौन से बॉडी के ऑर्गन को चाहिए होती है। ईशल, वी कैन से कि एएमपी इज ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन, और वी कैन ऑल्सो से दैट एएमपी इज इटसेल्फ परफॉर्मिंग द फंक्शन, ठीक है? एएमपी ही काम कर रहा है। इंफॉर्मेशन आप इस तरह से कह सकते हैं कि एडेनाइलाइल साइक्लेज ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है? फर्स्ट मैसेंजर आपका हॉर्मोन था, वो आया, फिर यहाँ पे सेकंड मैसेंजर बना और वो सेकंड मैसेंजर जाके काम कर रहा। जो ओरिदा का क्वेश्चन है कि ब्लड सप्लाई से क्या रिलेटेड सवाल था, ब्लड सप्लाई से रिलेटेड सवाल ये था कि ब्लड सप्लाई बॉडी के कौन से सेल्स को चाहिए होती है, तो वो जवाब ये था कि बॉडी के सारे सेल्स को चाहिए हो। फिर क्वेश्चन ये था कि जब हॉर्मोन ब्लड में रिलीज हो रहा है और ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, तो हॉर्मोन हर ऑर्गन को इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ खास ऑर्गन को क्यों अफेक्ट कर रहा है? और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि उस टारगेट ऑर्गन पे उस हॉर्मोन के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो एक हॉर्मोन जो है वो अपने ही रिसेप्टर पे लग सकता है। आप लोगों ने एंजाइम्स के चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उसके अंदर आप लोगों ने लॉक इन की थ्योरी पढ़ी होगी कि भाई एक एंजाइम जो है या जो एक सबस्ट्रेट है वो दोनों एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं, एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट को ही लगा सकता है। तो ये वाली बात उसकी जैसी है बिल्कुल, कि एक हॉर्मोन जो है वो अपने ही रिसेप्टर पे लग सकता है, वो किसी भी रिसेप्टर पे नहीं लग सकता, ठीक है? अब हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, ठीक है? स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हम सबको पता है कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। अगर फैट सोल्यूबल होते हैं तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा? चैट में बताएं। अगर ये फैट सोल्यूबल होते हैं तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कर लेगा, सबने बोला। तो क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो क्या इसका रिसेप्टर सेल सरफेस पे मौजूद होगा या अंदर मौजूद होगा?
वेरी गुड, आप लोगों में इनसाइट मौजूद होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो स्टेरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं इनके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं या तो सेल के साइटोप्लाज्म में या तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे या न्यूक्लियस में मौजूद होंगे। जब स्टेरॉयड हॉर्मोन सेल के अंदर जाते हैं और जाके अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं, तो उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कहलाता है हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। स्टेरॉयड हार्मोन आया, सेल के अंदर गया, सेल के अंदर जाने के बाद अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ और इसने बना लिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा कि अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट के साथ लग जाएगा। कौन सा स्पेसिफिक सेगमेंट? जिस तरह का काम करवा रहे हैं, हम सबको पता है कि डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स होती हैं। कोई जीन है जो कि कोई सेट ऑफ जीन्स है जो कि सेल डिवीजन का काम करवा रही थी, कोई सेट ऑफ जीन्स है जो सेल डिवीजन को रोक रही थी, कोई सेट ऑफ जीन्स है जो सेल परमेबिलिटी बढ़ा रही थी, कोई सेट ऑफ जीन्स है जो सेल परमेबिलिटी रोक रही थी। तो जिस तरह का भी काम चाहिए हो, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स होती है, सेल में बहुत से काम होते हैं। जिस तरह का भी काम रिक्वायर्ड होगा ये जो हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाए, ये हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डीएनए के अंदर जाएगा और स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो डीएनए की स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ जीन्स है, तो आप लोगों को पता होगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, कि डीएनए से बनता है ट्रांसक्रिप्शन के जरिए एमआरएनए, वो एमआरएनए आता है राइबोसोम्स के पास और राइबोसोम में ट्रांसलेशन के जरिए बनता है हमारा जो भी एंजाइम बनना होता है। ये वाली चीज सबको पता है, मैं भी हॉर्मोन्स का नहीं पूछ रहा, मैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पूछ रहा हूँ कि डीएनए से बनता है एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, फिर वो राइबोसोम में आता है और ट्रांसलेशन के जरिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन या एंजाइम्स के अंदर। ऐसा ही है। तो अभी तक क्या कहानी हुई है? कहानी ये हुई कि स्टेरॉयड हॉर्मोन आया, सेल के अंदर गया, अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ, हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स गया न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स के साथ अटैच हो गया। उसके बाद इसने इस जीन्स के साथ अटैच होकर वहां से बनवाया वो वाला एमआरएनए जिसका काम था सेल के अंदर, ठीक है, जिस तरह का काम था उस तरह का इसने एमआरएनए बनवा दिया। ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जाएगा और वहां पे प्रोटीन यानी कि एंजाइम बनवाएगा। कौन सा एंजाइम बनवाएगा? सेल के अंदर जो भी काम है उस तरह का एंजाइम बनवाएगा। जब ये एंजाइम एक दफा बन गया तो फिर ये अपना सेल के अंदर जो भी काम रिक्वायर्ड होगा वो करवा देगा, जो बात यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है कि दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए व्हिच देन मूव इनटू द साइटोप्लाज्म एंड डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, दीज प्रोटीन देन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन विद इन द सेल। ठीक है, जल्दी से बता रहा हूँ। हॉर्मोन आया स्टेरॉइड, सेल के अंदर गया, रिसेप्टर के साथ जुड़ा, जिस एचआरसी बना यानी कि हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये एचआरसी न्यूक्लियस में गया, डीएनए को स्टिमुलेट करके एमआरएनए बनवाया, एमआरएनए वापस साइटोप्लाज्म में आया, प्रोटीन यानी कि एंजाइम बनवाया और एंजाइम ने काम किया। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन जो आपको अब स्लाइड पर नजर आ रहा होगा। हार्मोन आया, ये हार्मोन का रिसेप्टर था, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर गया और स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन से बनवाया एमआरएनए, ये रहा एमआरएनए। फिर ये एमआरएनए निकल के आपके पास साइटोप्लाज्म में गया और राइबोसोम्स के साथ अटैच हुआ, इन राइबोसोम ने प्रोटीन यानी कि एंजाइम को बनवा दिया। दिस इज हाउ एन स्टेरॉयड हार्मोन परफॉर्म्स इट्स फंक्शंस। यहां तक किसी का कोई सवाल? क्योंकि फिर अगर आप लोगों का नहीं है तो मेरा है। किसी का कोई भी क्वेश्चन? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉयड हॉर्मोन समझ में आया? किस तरह से स्टेरॉयड हॉर्मोन काम करते हैं? आप इस पे कुछ लगा के बैठना तो बाहर चली जाओ। किसी का माइक ओपन है? अच्छा, यहां तक किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूं। को कॉम्प्लेक्स बनने के बाद का क्विक रिपीट कर दे। बिल्कुल कर देंगे। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये देखो कहाँ जा रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर किसने क्या किया, डीएनए के साथ अटैच हुआ और एमआरएनए बनवाया, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाई, ये एमआरएनए निकल के बाहर आया और इसने राइबोसोम्स के साथ अटैच होकर ट्रांसलेशन करवाई यानी कि प्रोटीन बनवाया, एंजाइम बनवाया,
और इस एंजाइम ने जाके सेल में काम करवा दिया जिस काम की भी सेल को जरूरत थी। दिस इज द मैकेनिज्म आफ्टर एचआरसी। चलिए आप लोगों का तो क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। हमने दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़े, हमने प्रोटीन हॉर्मोन भी पढ़ा, हमने स्टेरॉयड हॉर्मोन भी पढ़ा। कौन सा हॉर्मोन अपना काम, सोच समझ के जवाब दे, कौन सा हॉर्मोन अपना काम जल्दी करवा दे? क्या प्रोटीन हार्मोन अपना काम जल्दी करवा देगा, क्या स्टेरॉयड हार्मोन अपना काम जल्दी करा रहे? प्रोटीन हार्मोन जो सेल सरफेस के ऊपर लग रहा है अंदर नहीं आ रहा, स्टेरॉयड हार्मोन जो सेल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो सोच समझ के बताएं, इत्मीनान से सोचे कि क्या जवाब हो सकता है, कौन सा हार्मोन अपना काम जल्दी करवाएगा? आधे लोग कह रहे हैं प्रोटीन, आधे लोग कह रहे हैं स्टेरॉइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रोटीन हॉर्मोन। ठीक है, अब उसकी वजह क्या है, मैंने जो बात की ना सेल सरफेस पे रिसेप्टर और साइटोप्लाज्म में, ये जानबूझ के बोली थी, ये कंफ्यूजन फैक्टर होता है कि सर वो तो सेल के अंदर जा रहे हैं, उसको तो बाहर कोई मसला भी नहीं है, तो फिर कैसे वो अपना काम जल्दी करवा देर से करवाएगा, उसको तो जल्दी करवाना चाहिए। देखिए बेसिकली बात क्या है, जब हमने प्रोटीन हॉर्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था, क्या हमने वहां पे कोई डीएनए से जीन्स की सिंथेसिस, डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस पढ़ी थी और फिर एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस पढ़ी थी, या वो डायरेक्ट एडेनाइल साइक्लेज ही साइक्लिक एएमपी बनवा रहा था और साइक्लिक एएमपी दीगर काम करवा रहा था? तो प्रोटीन हार्मोन जो होता है उसको किसी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट कैंप बनवाते और कैंप सेल के अंदर काम करवा रहा था, इसी वजह से प्रोटीन हार्मोन्स अपना काम जल्दी परफॉर्म कर। जबकि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं उनको आना है पहले डीएनए को स्टिमुलेट करना है, डीएनए से जीन्स को खोलना है, फिर उन जीन्स को खोलने के बाद वहां ट्रांसक्रिप्शन करवानी है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वहां पर ट्रांसलेशन होनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो अपना काम जल्दी परफॉर्म देर से परफॉर्म करवाते हैं और प्रोटीन हार्मोन्स अपना काम जल्दी परफॉर्म करवाते हैं। वाई प्रोटीन हार्मोन डजेंट रिक्वायर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, क्योंकि जो प्रोटीन हार्मोन हमने अभी तो पढ़ा कि वो साइक्लिक एएमपी डायरेक्ट बनवा रहे हैं एडेनाइल साइक्लेज से, तो जब डायरेक्ट साइक्लिक एएमपी बन जाएगा और वो साइक्लिक एएमपी सेल के अंदर सारे काम करवा देगा। देखो प्रोटीन हार्मोन को भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ सकती है, इट्स नॉट अबाउट कि उसको जरूरत पड़े या नहीं, लेकिन मेरी बात गौर से सुनना, प्रोटीन हार्मोन को भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो किसका काम है? वो काम प्रोटीन हार्मोन का नहीं है, वो काम है साइक्लिक एएमपी का। अगर इन सेल के अंदर एंजाइम की जरूरत है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की जरूरत है, तो वो काम साइक्लिक एएमपी का है, वो हार्मोन का नहीं है। लेकिन जब मैं स्टेरॉइड हार्मोन की बात करूंगा तो वहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो कोई सेकेंड मैसेंजर बनवा रहा था या हार्मोन खुद बनवा रहा था, कौन बनवा रहा था? I'm waiting for you guys to tell it in the chat कि जो स्टेरॉयड हार्मोन का हमने मैकेनिज्म पढ़ा वहां पे एंजाइम्स कौन बनवा रहा था? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके बनवा रहा था ना, यानी हार्मोन खुद बना रहे। प्रोटीन हार्मोन को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, लेकिन वो काम होगा साइक्लिक एएमपी का, वो प्रोटीन हार्मोन का काम नहीं है। प्रोटीन हार्मोन का काम था जाके पर्टिकुलर टाइप का कैंप एक्टिवेट करना था बस, तो इसलिए वो जल्दी करवाएगा। अच्छा भाई आप लोग थके तो नहीं है? अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे आने वाला है, लेकिन अगर आप लोग थक गए तो हम क्लास ऐसे मर्जी हम एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वाई प्रोटीन हार्मोन डजन रिक्वायर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, साथ में आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ कि प्रोटीन हार्मोन को भी जरूरत पड़ सकती है, बट दैट इज अ फंक्शन ऑफ कैम्प, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन हार्मोन इटसेल्फ। इन स्टेरॉइड हार्मोन एक्शन रिसेप्टर कैन ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड टू न्यूक्लियस, नहीं रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, न्यूक्लियस में भी हो सकता है, लेकिन जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर वो लाजमी न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, क्योंकि डीएनए कहाँ मौजूद होता है, डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद होता है। सर लेकिन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का मकसद प्रोटीन बनना नहीं होता? बिल्कुल होता है, तो इसका प्रोटीन हार्मोन से क्या तालमेल है? ईशल अगर आपका कोई मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो मैं उसको बेहतर तरीके से बता दूंगा कि उसका मकसद प्रोटीन बनना होता है पर इसका हार्मोन से क्या तालमेल है। अच्छा आप लोगों ने एक बात नोट करने वाली यहाँ पे है कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एक सेल को स्टिमुलेट करने, एक सेल को अफेक्ट करने एक हार्मोन आ रहा है, लेकिन सेल के अंदर कौन काम करवा रहा है, हार्मोन या एंजाइम जो सेल के स्पेसिफिक फंक्शन है?
वो कौन परफॉर्म करवा रहा है? जो सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन है वो कौन करवा रहा है? हार्मोन तो आ रहे हैं, हार्मोन आके बता रहे कि भाई ये काम करवाओ, पर काम करवा एग्जैक्टली कौन रहा है? एंजाइम्स करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि हार्मोन्स आके पर्टिकुलर एंजाइम्स बनवा सकते हैं, पर्टिकुलर एंजाइम्स को एक्टिवेट करवा सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर जो काम होगा ना वो काम सारा एंजाइम्स ही करेंगे। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया हो तो आप लोगों ने स्टमक के अंदर पढ़ा होगा गैस्ट्रिन, ठीक है, हॉर्मोन होता है स्टमक के पाइलोरस के अंदर, कुछ सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं जी सेल्स, जी सेल्स से एक हॉर्मोन निकलता है जो कहलाता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिन जाता है आपके पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनवा के रिलीज करवाता है। तो गैस्ट्रिन था हॉर्मोन, ये गया, ये जाके पेराइटल सेल्स के ऊपर लगा और पेराइटल सेल्स को बोला कि भाई जल्दी जल्दी से एचसीएल निकालना शुरू कर दो। लेकिन जो एचसीएल को सेल के बाहर निकालने का काम था, एचसीएल को प्रोड्यूस करके निकालना, ये एंजाइम्स ने सेल के अंदर करवाया। हॉर्मोन ने जाके उसे बता दिया कि ये काम काम किया एंजाइम्स, ठीक है। तो याद रखिएगा कि काम एंजाइम्स करते हैं, काम हॉर्मोन्स जाके बस काम को एक तरीके से कर लें कि सुपरवाइज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन और है तो पूछ लें, बाकी ईशल आपका क्वेश्चन अभी तक दोबारा नहीं आया है, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन। एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन्स बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड या कुछ सेल के पैचेस होते हैं जो सर्टेन हॉर्मोन्स को सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, हमें सबको पता है कि ब्लड के जरिए पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं जो ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं वो कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये जो सिक्रीशंस होती हैं ये कहलाती हैं, यानी कि जो हॉर्मोन इटसेल्फ है वो कहलाती है एंडोक्राइन सिक्रीशन। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ एंडोक्राइन सिक्रीशंस नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एक दूसरी तरह के भी केमिकल्स सिक्रिएट करते हैं, वो केमिकल्स हमारे पास कहलाते हैं एक्सोक्राइन सिक्रीशंस, ठीक है। वो केमिकल हमारे पास कहलाते हैं एक्सोक्राइन सिक्रीशन। होता क्या है कि मिसाल के तौर पे आप लोगों को डाइजेशन, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मैं वापस से डाइजेशन से रिलेट करूंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा खाना जब इंटेस्टाइन्स के अंदर आता है तो लिवर से आता है, मतलब बेसिकली गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ हुआ होता है, लेकिन बनता वो लिवर के अंदर, या लिवर से बाइल आता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस होते हैं जो कॉमन बाइल डक्ट के जरिए फिर नीचे आता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट के जरिए आपके डोडेनम के अंदर एंटर हो जाते हैं, हिपैटो डोडेनम, उससे स्फिंक्टर से। तो हुआ क्या, ये जो सिक्रीशंस थी ये लिवर पैंक्रियाज में बनी और एक पाइप से होती हुई डोडेनम के अंदर आ गई। क्या ये सिक्रीशन ब्लड के अंदर गई? लिवर और पैंक्रियाज में बनी, पाइप के जरिए होती हुई डोडेनम में आ गई, ब्लड में गई नहीं। तो ये जो सिक्रीशंस होती हैं जो कि डक्ट्स के अंदर ट्रेवल करती हैं, जो कि ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, ये कहलाती हैं एक्सोक्राइन सिक्रीशंस। बेतहाशा मिसालें हैं, सबसे अच्छी इसकी जो एग्जाम्पल्स है वो हमें डाइजेशन के अंदर मिलती हैं, तो ये हमारे पास एक्सोक्राइन सिक्रीशंस कहलाती हैं। बट दैट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे, तो हम इसकी बात इतनी नहीं करें। ओके, बड़ा अच्छा टॉपिक हाइपोथैलेमस, सबको पता होगा। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है और इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। अच्छा, जो लोग लेक्चर के एंड तक रुकेंगे ना, तो एंड में एक बड़ा अच्छी सी एक मैंने वो बनाई हुई है स्लाइड, जिसके ऊपर एमडी कैट से रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बहुत रेयर चांस है कि अपनी बुक्स में मिले, और इवन अगर मिल भी गई तो हो सकता है सिंध में कुछ मिल जाए, पंजाब में कुछ मिल जाए, फेडरल में कुछ मिल जाए, सारे प्रोविंसेस में वो नहीं मिलेगी। तो हुएवर वांट्स टू स्टे टिल द वेरी एंड, तो आपका ही फायदा। एनीवे, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है और इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। इसकी वजह ये होती है कि हाइपोथैलेमस जो है, अच्छा ब्रेन में कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है? हमारे ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। जब हम इंशाल्लाह अपने प्रॉपर कोर्स के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में पूरा ब्रेन पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस कनेक्टिंग लिंक है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। इसको ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत से नर्वस फंक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है और बहुत से एंडोक्राइन फंक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है, यानी दीगर हॉर्मोन्स बना रहा होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स क्या करते हैं? ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जो हमारे पास कहलाते हैं रिलीजिंग हॉर्मोन्स
या इनहिबिटिंग हो। दोबारा सुने, हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। ये हमारे पास न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जो कहलाते हैं रिलीजिंग हॉर्मोन्स या इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। इन रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स का काम क्या होता है, ये जाते हैं और बॉडी के अंदर मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई फलाना किस्म का हॉर्मोन निकाला, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से हॉर्मोन निकल के आगे जाता है, वो आगे की कहानी। तो हाइपोथैलेमस का एक तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया जो कि रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हॉर्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस का ही एक दूसरा न्यूरो सिक्रेटरी ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि ऐसे हॉर्मोन रिलीज करते हैं जिनका काम जाके किसी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना नहीं है कि वहां से जाके स्टिमुलेट कर रहे हैं मजीद हॉर्मोन निकलवा रहे हैं, नहीं, उनका काम होता है डायरेक्ट कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना। क्या फंक्शन है, 2 मिनट में आने वाले, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें अभी आगे पूरी इसके ऊपर डिस्कशन। तो ये जो दो हार्मोन्स होते हैं कहलाते हैं एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। एक बात याद रखिएगा इंडिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों के दोनों हार्मोन्स जो हैं ये बनते हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं ड्रॉ भी करके दिखाऊं, लेट मैं बहुत बुरा बनाऊंगा, मेरी डायग्राम मेरी ड्रॉइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, प्लीज माइंड ना कीजिएगा। लेट से ये हाइपोथैलेमस है और ये रहा हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरॉन या न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स यूं करके मौजूद होते हैं, और इन न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स की जो डेंड्राइट होते हैं, और सॉरी एक्सॉन और वो होता है एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल्स, वो यूं करके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आ रहे होते हैं। तो इसके सोमा के अंदर इन न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के यहां पे हॉर्मोन्स बनते हैं। वेरी बैड राइटिंग, मैं बस स्टाइलस नहीं, मैं माउस से लिख रहा हूं। इसलिए इस हाइपोथैलेमस के न्यूरो सिक्रेटरी सेल के सोमा के अंदर ये हॉर्मोन्स बनते हैं, और फिर ये इस एग्जॉन से इस डंडी से ट्रेवल करते हुए आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ये दो हॉर्मोन्स जो है एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये बन कहां पे रहे, ये बन कहां पे रहे, प्रोड्यूस कहां पे हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस में, स्टोर कहां पे हो रहे हैं, स्टोर कहां पे हो रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो बात याद रखिएगा कि ये दोनों हॉर्मोन जो हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हैं, ये पिट्यूटरी हॉर्मोन्स नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये सिर्फ और सिर्फ स्टोर होते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो वहां से रिलीज हो जाते हैं। पर ये बनते कहाँ हैं और ये हैं कौन से, ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हमारे पास कहे जाते हैं। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये अक्सर पेपर में आता है आपको कंफ्यूज कर दो। ये वाली बात जो मैंने अभी बोली है यहाँ पर साइड पे लिखी है कि बनता है हाइपोथैलेमस में, स्टोर होता है पीपीजी के अंदर यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अब हमारे पास है एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन। एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन केमिकली कौन सा हॉर्मोन है, कौन बताएगा, केमिकल नेचर की बेसिस पे कौन सा हॉर्मोन है, शुरू में पढ़ा है क्लास के, ईशन ने से बोला प्रोटीन विच इज द करेक्ट आंसर एज पर द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव प्रोवाइडेड टिल नाउ, बट इन एक्चुअल एडीएच इज अ पेप्टाइड हॉर्मोन। रात प्रोटीन बिल्कुल को सही इसी जवाब का है, फ्रिज में रखा है, उसने सुबह खाया प्रोटीन है। बिल्कुल सही जवाब है। किसी का माइक खुला है प्लीज उसको ऑफ कर लें। लेकिन इन इन फैक्ट इन एक्चुअल एडीएच इज अ पेप्टाइड हॉर्मोन, इट्स नॉट अ प्रोटीन हॉर्मोन। जबकि जवाब आपका बिल्कुल ठीक है कि अगर मैं ब्रॉडर टर्म देखूँ, जनरल टर्म देखूँ, तो वो प्रोटीन कहला सकता है। तो एडीएच हमारे पास एक पेप्टाइड हॉर्मोन है, हाइपोथैलेमस से बनता है, पीपीजी के अंदर स्टोर होता है। एडीएच का एक नाम है जो कि पेपर में आ सकता है, पेपर में आपसे पूछ सकता है। एडीएच का नाम होता है हॉर्मोन दैट प्रिवेंट्स यूरिनेशन। जो लोग फेडरल से मतलब इस्लामाबाद से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और फेडरल एमडी कैट देंगे, तो वहां पे पास पेपर में भी आ चुका है क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बाकी प्रोविंसेस में पूछ सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है। एडीएच का नाम होता है हॉर्मोन दैट प्रिवेंट्स यूरिनेशन। एडीएच का काम क्या होता है, आप लोगों ने होम्योस्टेसिस में पढ़ के आए होंगे। एडीएच का काम ये होता है कि ये जाता है, अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए, हमारी बॉडी में स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेब्लिश हो जाए, तो एडीएच जाएगा। एडीएच जाके हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स पैक करेगा। किडनी होती है, किडनी के सेल्स नेफ्रॉन्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ल्यूकोफाइनल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एडीएच जाके,
अटैच होगा और वहां पे पानी की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, यानी पानी को ब्लड के अंदर लेकर आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बातें बताई कि इट इज कॉल्ड अ हार्मोन दैट प्रिवेंट्स यूरिनेशन। हमारी बॉडी में जब डिहाइड्रेशन हो तभी ये रिलीज होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स पे काम करता है और वहां से पानी को रीएब्जॉर्ब करवाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। उनकी परमिएबिलिटी बढ़ाता है और फिर इसकी वजह से डिहाइड्रेशन प्रिवेंट होती है और पानी रिटेन होता है। अब हमें इससे क्या समझ में आता है, इसका नाम इसको ये क्यों दिया गया? जब आप किडनीज में से सारा पानी वापस निकाल लेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? जब किडनीज में से जो पानी आगे जाना था यूरिटर वगैरह में, वो सारा आपने खींच के वापस ब्लड में निकाल लिया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन क्या हो गई? कम हो गई। तो ऐसी बात है, जब पानी बचे नहीं है तो यूरिन में क्या जाएगा? तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कम होती है, इसीलिए इसको कहते हैं हॉर्मोन दैट प्रिवेंट्स यूरिनेशन। अगर एडीएच हमारे पास कम रिलीज हो तो एक बीमारी होती है जो हमारे पास कहलाती है डायबिटीज इंसिपिडस। आप लोगों ने डायबिटीज का नाम तो सुना हुआ होगा, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं शुगर की बीमारी है। सही है, डायबिटीज में क्या होता है? अच्छा, इसको डायबिटीज क्यों कहते हैं? डायबिटीज तो शुगर की बीमारी है ना, डायबिटीज तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की बीमारी है। भी मैं डायबिटीज के अंदर इतना ज्यादा नहीं जा रहा, टाइम ऐसे हमारे पास कम है, आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता हो सकते थक रहे हो, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। जब डायबिटीज शुगर की बीमारी है तो इसको उसको डायबिटीज कह रहे हैं, ये तो शुगर, इसका तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बेसिकली जब डायबिटीज किसी बंदे को होती है तो उसको बहुत से टोटल 7 सिम्टम्स होते हैं, जिनमें से 2 सिम्टम्स बड़े कॉमन होते हैं। एक कहलाता है पॉलीयूरिया, यानी कि ज्यादा यूरिनेशन, जब फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, और दूसरी कहलाती है पॉलीडिप्सिया। जाहिर सी बात है, जब यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बॉडी का पानी कम होगा, बॉडी का पानी कम होगा तो आपको प्यास लगेगी। ठीक है, नहीं, ईशा यूरिन कंसेंट्रेटेड नहीं होता, अगेन वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ डायबिटीज इंसिपिडस पे फोकस करें। डायबिटीज एडीएच की अंडर सिक्रीशन हुई तो क्या हुआ, बंदे को हो गए डायबिटीज इंसिपिडस। नंबर वन उसको होगा पॉलीयूरिया, यानी उसको यूरिनेशन बहुत ज्यादा होगी। नंबर टू उसको होगा पॉलीडिप्सिया, उसको प्यास बहुत ज्यादा लगी है। देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक, खैर दैट इज अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, अभी हम इसकी बात कर। तो कहने का मकसद ये है कि इसको डायबिटीज इंसिपिडस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डायबिटीज के 2 सबसे कॉमन सिम्टम्स पाए जाते हैं, यानी कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, पॉलीयूरिया एंड इंक्रीज थर्स्ट, यानी कि पॉलीडिप्सिया। इस वजह से इसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। एडीएच का एक और नाम है जो कहलाता है वेजोप्रेसिन। ठीक है, इसको वेजोप्रेसिन क्यों कहते हैं, किसी को पता है? मैं बताता हूँ क्यों, मैं आगे बढ़ना है। इसको वेजोप्रेसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को एलिवेट करता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं वेजोप्रेसिन। ठीक है, हमारी ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर को एलिवेट करेगा, इसलिए कहलाएगा वेजोप्रेसिन। एक और बीमारी होती है, मैं बता देता हूँ, मैंने स्लाइड्स पे नहीं लिखी क्योंकि आई डोंट थिंक आपके कोर्स में है कहीं पे। अंडर सिक्रीशन एडीएच की कहला रही है डायबिटीज इंसिपिडस। जब बेसिकली होगा ये कि एडीएच कम रिलीज होगा तो कलेक्टिंग डक्ट पे जाके वो एक्ट नहीं कर पाएगा, वहां से पानी रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, पानी जब रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो ज्यादा ज्यादा यूरिन में निकल रहा है, और जब बॉडी का ज्यादा पानी निकल रहा है तो प्यास लग। दीपा के बारे में वही क्वेश्चन कर लिया, ओवर सिक्रीशन से क्या होगा? ओवर सिक्रीशन से एक कंडीशन होती है जो कहलाती है SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, सियार्ड। आपके कोर्स में नहीं है तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ लिख देता हूँ आप लोगों के इंटरेस्ट बनाने के लिए। वो कहलाते हैं SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। ठीक है, ओवर सिक्रीशन से ये होता है। उसके अंदर क्या होगा, यूरिनेशन बिल्कुल कम हो जाएगी, बीपी आपका हाई रहेगा, आपकी ब्लोटिंग हो जाएगी, बॉडी का वाटर वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एडिमा हो जाएगा, यानी जगह जगह पानी बढ़ जाएगा। बट हमारे कोर्स में नहीं है तो हम ये नहीं पढ़वाएं। हमने जो 2 हार्मोन्स पढ़े हैं हाइपोथैलेमस के, ऑक्सीटोसिन और एडीएच और ऑक्सीटोसिन पढ़े थे, उसमें से हमने एडीएच पढ़ लिया। हम ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, एडीएच की तरह हाइपोथैलेमस से बनता है, पीपीजी में स्टोर होता है, पीपीजी से रिलीज होता है। ये जो हार्मोन है ये लैक्टेशन करवाता है। लैक्टेशन क्या, के जो नर्सिंग मदर्स होती हैं, उनके मेमरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है, उन मेमरी ग्लैंड्स की डक्ट्स को स्टिमुलेट करके कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और मिल्क की इजेक्शन करवाता है।
इस प्रोसेस को कहते हैं मिल्क लेट डाउन प्रोसेस, मिल्क लेट डाउन प्रोसेस। ये हमारे पास करवा रहा होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक और इसका फंक्शन होता है कि ये आपके सोशल बिहेवियर को स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन आपके पास लव हार्मोन भी कहलाता है, जो कि पंजाब में आई गेस एक साल क्वेश्चन आया था, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ लव हार्मोन, और आंसर था उसका ऑक्सीटोसिन। स्लाइड पे नहीं लिखा हुआ, याद कर लीजिए। तो ऑक्सीटोसिन का क्या बताया, तीन मेन फंक्शन, लैक्टेशन करवाता है यानी कि मिल्क लेट डाउन करवाता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, और सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, लैक्टेशन यानी कि मिल्क रिलीज ऑक्सीटोसिन करवाता है, मिल्क प्रोडक्शन ऑक्सीटोसिन नहीं करवाता। मिल्क प्रोडक्शन दूसरा हार्मोन होता है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन आपकी मिल्क प्रोडक्शन करवाते हैं, और ऑक्सीटोसिन आपकी मिल्क एक्सक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन करवाते, नॉट एक्सक्रीशन सिक्रीशन। ये वाली बात सही है। एमसीक्यू ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑफ पंजाब पेपर, बिल्कुल अरीशा, एमसीक्यू था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लव हार्मोन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लव हार्मोन, और इसका आंसर था, मैं लिख भी देता हूँ, फॉलोइंग इज कॉल्ड दी लव हार्मोन, इसका आंसर था ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अच्छा भाई, अब हमारे पास ऐसे तो पिचूटरी ग्लैंड है, लेकिन अगर आप लोग थक गए तो बताएं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बकिया जब आप लोग इंशाल्लाह कोर्स में आएंगे तो हम वहां पढ़ा देंगे, अगर आप लोग बोले तो मैं पढ़ा दूं, मुझे मसला नहीं है, लेकिन इट्स बीन 1.5, 1.4 आवर्स, 1.3 आवर्स ऑलरेडी, तो अगर आप बोले तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ कुछ, और आपको ये क्लास यहाँ पे मैं एंड करवा दूँ, थोड़ा सा और पढ़ा लूँ या एंड करा दूंगा। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई। मैंने कहा था लास्ट में मैं स्लाइड दिखाऊंगा, पर हम वहां तक पहुंचे ही नहीं ना, अभी तो पिचूटरी ग्लैंड रहता है, उसके बाद वो आना था। चले, आप लोग बड़े अच्छे बच्चे लग रहे हैं मुझे, पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं, तो फिर हम आप लोगों के कहने पे पढ़ा दो, तो ठीक है। ओके, पिचूटरी ग्लैंड, पिचूटरी ग्लैंड हमारे पास कहलाता है हाइपोफाइसिस सेरेब्री, मेरा कहाँ चला गया, माउस ही रहा। पिचूटरी ग्लैंड हमारे पास कहलाता है हाइपोफाइसिस सेरेब्री, इसको बॉडी का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड की वजह ये होती है कि ये दो तरह के हॉर्मोन्स बनाता है, एक बनाता है ट्रॉपिक हॉर्मोन्स, दूसरे बनाता है नॉन ट्रॉपिक हॉर्मोन्स। ट्रॉपिक और नॉन ट्रॉपिक हॉर्मोन्स हमारे पास क्या होते हैं, वो हॉर्मोन्स जो किसी ग्लैंड से निकले, आगे जाएं और आगे जाके अपना काम डायरेक्ट डायरेक्ट अपना काम करा दें। मिसाल के तौर पे ऑक्सीटोसिन था, ठीक है, ऑक्सीटोसिन निकल रहा था और मेमरी ग्लैंड से मिल्क की इजेक्शन करवा रहा था, तो ऑक्सीटोसिन हो गया नॉन ट्रॉपिक हॉर्मोन, वो हॉर्मोन जो जा रहे है डायरेक्ट डायरेक्ट जाके अपना काम परफॉर्म करवा रहे सेल के अंदर। वो हॉर्मोन जो एक ग्लैंड से निकला, दूसरे ग्लैंड के पास गया और उसको बोला कि भाई उठो, हॉर्मोन बनाओ और हॉर्मोन सिक्रिएट करो, ये हमारे पास कहलाएगा ट्रॉपिक हॉर्मोन। दोबारा बता रहा हूं, वो हॉर्मोन जो जाके डायरेक्ट काम करवा दे वो कहलाएगा नॉन ट्रॉपिक, वो हॉर्मोन जो आगे जाए और आगे जाके मजीद हॉर्मोन्स को निकलवाए वो हमारे पास कहलाएगा ट्रॉपिक हॉर्मोन। आसान लफ्जों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके भी आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते नहीं है, याद करने के लिए आसानी हो जाती है कि वो हॉर्मोन जो डायरेक्ट काम करवा दे वो कहलाते हैं नॉन ट्रॉपिक, और वो हॉर्मोन जो इनडायरेक्टली काम करा, यानी पहले जाए और जाके किसी ग्लैंड को स्टिमुलेट करे, वहां से मजीद हॉर्मोन निकलवाए और फिर उन हॉर्मोन्स का आगे काम, वो कहलाते हैं ट्रॉपिक। बहुत सिंपल सी मिसाल है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन जाता है जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि भाई तुम T3, T4 और कैल्सिटोनिन निकलवाओ, TSH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, थायराइड ग्लैंड के पास आया और वहां से मजीद हॉर्मोन निकलवाए, तो TSH क्या होगा, ट्रॉपिक हॉर्मोन होगा नॉन ट्रॉपिक हॉर्मोन होगा। मारिया इसके अंदर बिल्कुल वो है, बेसिकली बुक की लाइन पता है क्या है, बुक की लाइन है इट इज
इट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बट नाउ इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आर इटसेल्फ इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ये बुक की आपकी लाइन है जहां तक मुझे याद है। तो इसके अंदर कॉन्ट्रोवर्सी है, इसी वजह से कभी पेपर में बहुत कम आता है, और अगर पेपर में आएगा तो या तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में होगा या तो ऑप्शन में आपके पास हाइपोथैलेमस होगा। ठीक है, तो ट्रॉपिक वाली बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, वेरी गुड, कि वो हार्मोन जो निकलता है जाता है और मजीद किसी हार्मोन की सिक्रीशन करवाता है वो ट्रॉपिक कहलाता है, वो हार्मोन जो निकलता है जाता है और डायरेक्ट जाके अपने काम करवा देता है वो नॉन ट्रॉपिक कहलाता है। अच्छा, जो मास्टर ग्लैंड होता है ना, ये जो ये ट्रॉपिक हार्मोन निकलते हैं ये बेसिकली एंटीरियर लोब से निकलते हैं, पोस्टीरियर लोब से कोई ट्रॉपिक हार्मोन हमारे पास एज सच नहीं निकलता। यहाँ पे लिखा हुआ अभी नॉन ट्रॉपिक हैविंग अ डायरेक्ट इफेक्ट ट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ अदर हार्मोन्स। मटर के दाने जितना ग्लैंड होता है ब्रेन की बेस से लटक रहा होता है और हाइपोथैलेमस से एक डंडी एक स्टॉक के जरिए कनेक्ट हुआ हुआ होता है, उस डंडी का नाम होता है इनफंडिबुलम। ठीक है, इसके दो मेन लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का दूसरा नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब का दूसरा नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफा पूछे जा चुके हैं, या पेपर में पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब से रिलेटेड कोई सवाल था लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं एडिनो या न्यूरो करके पूछा हुआ था, तो ये याद रखना जरूर। उसके अलावा जो ट्रॉपिक हॉर्मोन्स होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उससे तो कौन से हॉर्मोन्स बनते हैं वो आप लोगों को पता ही है, कौन से हॉर्मोन्स आते हैं, मैं बनते नहीं बोल रहा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हॉर्मोन्स आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से कौन सा हॉर्मोन्स आते हैं, कौन से दो हॉर्मोन्स आते हैं। इतना आसान कर दिया यार, अब तो बता दें। वेरी गुड, एडीएच ऑक्सीटोसिन या हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। ठीक है, अच्छा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर दीगर हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है दीगर हॉर्मोन्स वहां से निकलते हैं, कुछ ट्रॉपिक होते हैं कुछ नॉन ट्रॉपिक होते हैं, इन सब की डिटेल्स और उनके स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हम भी पढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास सेक्शन है हॉर्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये है कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पे क्या इफेक्ट है, और ये है कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का क्या फंक्शन है, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। एक हार्मोन था जीएचआरएच, ये हाइपोथैलेमस से निकला, हाइपोथैलेमस से निकल के इसने एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को स्टिमुलेट किया। क्या स्टिमुलेट किया, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के पास जाके क्या स्टिमुलेट करेगा, उसको क्या बोलेगा, क्या करने को बोलेगा, स्लाइड पे लिखा हुआ है लेकिन कॉमन सेंस लगा कर क्या बोलेगा, क्या करूंगा, कोई बताएगा? आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड में रुकूंगा, एक जवाब आ गया है। 5 4 3 2 1, सबने कहा ग्रोथ, ग्रोथ नहीं करवाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी लोब की। देखें लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाए, तो क्या होगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि भाई ग्रोथ हार्मोन जल्दी से रिलीज करना शुरू कर दो, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब बोलेगा ओके सर, और वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर देगा। अब ग्रोथ हार्मोन जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट चीजों की ग्रोथ करवाएगा, सेल्स की ग्रोथ, टिश्यू की ग्रोथ, वो बोन्स की ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ, ये सब करवाएगा ग्रोथ हार्मोन। तो मैं आप लोगों से जो सवाल करने लगा उसको गौर से सुनिएगा फिर जवाब दिएगा। ग्रोथ हार्मोन ट्रॉपिक है नॉन ट्रॉपिक है, फंक्शन बराबर में लिखा हुआ है देख के बता सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन ट्रॉपिक है नॉन ट्रॉपिक है, ग्रोथ हार्मोन, जीएचआरएच की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रोथ हार्मोन ये वाला पार्ट, आधे लोग ज्यादा लोग कह रहे हैं ट्रॉपिक, एक बंदा कह रहे हैं नॉन ट्रॉपिक, बेसिकली जो नॉन ट्रॉपिक कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, यही वाली चीज थी, ये ट्रॉपिक नॉन ट्रॉपिक को स्लाइड में ऐड करने की वजह यही थी, इस चीज पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पेपर में वो आपको अगर सिनेरियो दे दें तो फिर आप लोग अटक जाते हो, ये होता है बहुत अक्सर होता है, मैं दोबारा बता रहा हूं, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन वो है जो जाके डायरेक्ट काम करवा रहा है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जाके बोन्स की ग्रोथ करवा रहे हैं। क्या ग्रोथ हार्मोन ने कोई हार्मोन रिलीज करवा के बोन्स की ग्रोथ करवाई है या डायरेक्ट खुद ही करवाई है, मैंने यहाँ पे किसी और हार्मोन का नाम लिया कि ग्रोथ हार्मोन जाएगा फलाना हार्मोन निकलवाएगा, क्या मैंने ये ऐसा कोई नाम लिया, तो ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, जा रहा है और डायरेक्ट जाके बोन्स मसल सेल्स की ग्रोथ करवा रहा है,
तो ये नॉन ट्रॉपिक है। अगर ग्रोथ हार्मोन जा रहा होता पर जाके कोई हार्मोन रिलीज करवा रहा होता तो ये हमारे पास कहलाता ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक और नॉन ट्रॉपिक आप लोगों ने याद रखना है। बिल्कुल ईशान, रिलीजिंग फैक्टर्स भी हॉर्मोन ही होते हैं, सही है। उनको हम ट्रॉपिक एज सच इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो तो बिल्कुल एक स्टेबल सी चीज है ना, कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के अंदर ही हार्मोन आना है, उसको भी ट्रॉपिक कह सकते हैं। बट यूजुअली हम ये टर्म इसके लिए यूज नहीं करते। जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं इनके लिए हम यूजुअली ट्रॉपिक कलर इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये अंडरस्टूड है कैसे यही करवाना, इसका काम ही है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को जाओ स्टिमुलेट करो या इनहिबिट करो। चलिए दूसरा आता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जाएगा और इंटीरियर पिट्यूटरी लोब को बोलेगा कि ग्रोथ हार्मोन को निकलने से रोक दो, ग्रोथ हार्मोन को ना निकलने दो। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, ठीक है, वेरी सिंपल। कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन या कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर, कभी कभार पेपर में हार्मोन लिखा हो सकता है, कभी कभार पेपर में फैक्टर लिखा हो सकता है, एक ही बात है, फिक्र मत कीजिए। कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन निकलवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से। कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH निकलवाएगा। अब ये ACTH क्या करेगा, ये ACTH आगे जाएगा, आगे जाके हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है, जो भी हमने पहले पढ़ा था ट्राइंगल शेप का ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड को बोलेगा कि बेटा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ना वो हाँ चलो शाबाश निकालना शुरू करो। तो अब मुझे आप लोग बताएं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्टेरॉइड हॉर्मोन्स कहलाते हैं कॉर्टिको स्टेरॉइड, यानी कि कॉर्टेक्स के स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, वेरी सिंपल। तो कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन ने ACTH निकलवाया, ACTH ने एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया कि कॉर्टिको स्टेरॉइड बना के निकाल, और फिर इन कॉर्टिको स्टेरॉइड ने जाके अपना काम करवाया। तो अब आप लोग मुझे बताएं ACTH ट्रॉपिक है या नॉन ट्रॉपिक है। वेरी गुड, ट्रॉपिक ईशान ने बोला ट्रॉपिक है, बिल्कुल सही जवाब। कि क्यों, अच्छा अब मुझे कौन जल्दी से लिख के बताएगा ट्रॉपिक हॉर्मोन्स होते क्या हैं, चैट में जल्दी से बताएं, हमें पढ़ने हैं, क्लास को एंड करना है, जल्दी से चैट में बताएं ट्रॉपिक हॉर्मोन्स क्या होता है। नॉट रिलीजिंग डायरेक्टली, जो इनडायरेक्ट काम करवाता है, ठीक है दोनों का सही है। कोई और अच्छा आंसर, टेल अदर हॉर्मोन जो किसी ऑर्गन को स्टिमुलेट करें, हॉर्मोन रिलीज में, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। नॉन ट्रॉपिक हॉर्मोन्स क्या होते हैं, नॉन ट्रॉपिक, नॉन ट्रॉपिक हॉर्मोन्स क्या होते हैं, डायरेक्ट काम करें, वेरी गुड। तो अभी वाली बात हमें समझ में आ गई है कि क्या ट्रॉपिक है और क्या नॉन ट्रॉपिक है। तो आप लोग तो माशाल्लाह से बड़े जहीन बच्चे हैं। अब हमारे पास आता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फैक्टर, जाएगा थायरॉइड ग्लैंड के पास, उसको सॉरी 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 माय बैड, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालो, निकाल देगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो TSH है, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये आएगा थायरॉइड ग्लैंड के पास और थायरॉइड ग्लैंड को बोलेगा कि थायरॉइड हार्मोन्स बनवाओ, फिर वो थायराइड हार्मोन जाके बॉडी का काम करेंगे, मेटाबॉलिज्म शेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे। तो ये TSH क्या हुआ, ट्रॉपिक हुआ नॉन ट्रॉपिक हुआ। TSH ट्रॉपिक हुआ नॉन ट्रॉपिक हुआ, ट्रॉपिक हुआ, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि सर ये आगे जाके हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करवा रहा है, ये डायरेक्ट काम नहीं कर रहा। तो बस अब मैं ट्रॉपिक नॉन ट्रॉपिक वाली कहानी आपसे नहीं पूछूंगा। गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है, ये हमारे फॉलिकल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आते हैं और वहां से उसको बोलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलवाओ। ये जो FSH और LH है ये जाते हैं और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या गोनैड्स को स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं आपसे नहीं पूछूंगा ट्रॉपिक नॉन ट्रॉपिक क्योंकि इनके दोनों फंक्शन होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर ड्यूरिंग द कोर्स पढ़ रहे होंगे कि इनके नॉन ट्रॉपिक फंक्शन क्या है और इनके ट्रॉपिक फंक्शन क्या है, ठीक है। तो GnRH क्या करेगा, FSH और LH को निकलवाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो जाएगा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे स्टिमुलेट करेगा और अपना जो भी काम है वहां पे करवा देगा, वेदर इट बी ट्रॉपिक और नॉन। फिर हमारे पास एक और हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस से, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से एक वैसे ही हार्मोन निकल रहा होता है जो कहलाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को रोक देता है। जब इसको रोक देगा तो स्किन के अंदर जो मेलानोसाइट से होता क्या है, बेसिकली MSH जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है
वो आपके स्किन के सेल्स को डायरेक्ट अफेक्ट करता है और पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। दोबारा मैंने सुने क्या बोला है, एमएसएच स्किन के सेल्स को डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है। तो एमएसएच ट्रॉपिक हुआ नॉन ट्रॉपिक हुआ? वेरी गुड, नॉन ट्रॉपिक हुआ। सर वो डायरेक्ट काम कर रहे हैं, वो हार्मोन थोड़ी निकलवा रहे कहीं से। तो ये काम होते हैं एमआईएच का। एक और होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन बेसिकली करता क्या है कि आपकी प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके मिल्क प्रोड्यूस करवाना। तो प्रोलैक्टिन ट्रॉपिक हुआ नॉन ट्रॉपिक हुआ? प्रोलैक्टिन ट्रॉपिक है नॉन ट्रॉपिक है? नॉन ट्रॉपिक है। वेरी गुड, आप तो चीते बच्चे माशाल्लाह से। अच्छा जल्दी जल्दी से, मैं आई विल टेक 5 to 7 मिनट्स ऑफ योर टाइम, उसके बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा। लेकिन इस 5 से 7 मिनट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिन या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ये क्या करता है, ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। किस तरह से सेल्स की ग्रोथ या डिविजन करवाएगा, सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स को इंटेक करवाएगा, वहां पे प्रोटीन बनवाएगा एंड दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए ये हमारी ग्रोथ करवाता है। आप लोग मतलब तैयार रखने की ये ग्रोथ करवा। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की एबनॉर्मल सिक्रीशन हो रही है, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, तो उससे क्या होगा? तो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड 3 एबनॉर्मल कंडीशन है। एक कहलाती है जाइगेंटिज्म। अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा ज्यादा सिक्रिएट होने लगे तो ये कंडीशन हमारे पास कहलाती है जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म में क्या होता है, जब आप छोटे होते हैं ना, जब आप बच्चे हो, तो आपकी बोन्स के अंदर लंबा होने का, इलोंगेट होने की कैपेसिटी, इलोंगेट होने की कैपेबिलिटी होती है। तो अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा ज्यादा बन जाएगा तो जो चाइल्ड है उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। आप लोगों ने बहुत लंबे लंबे 7 7 8 8 9 फीट के लोग होते हैं, तो उनको पैर बड़े बड़े लंबे लंबे जाते हैं, हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, उनको जाइगेंटिज्म होता है। ये बचपन में ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन की वजह से होती है। ठीक है सर, अगर बचपन में नहीं, अगर एडल्टहुड के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है किसी वजह से, कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है जो ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा प्रोड्यूस करवा रहा है, तो फिर क्या हो? जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी बोन्स के अंदर इलोंगेट होने की, लंबा होने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, बट हमारी बोन्स के अंदर थिकनिंग की, चौड़ा चौड़ा होने की, थिक होने की, डेंस होने की कैपेसिटी तब भी होती है। तो अगर एडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रिएट होगा तो आपको एक कंडीशन हो जाएगी जो कहलाएगी एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में क्या होता है, आपके पैर हाथ बहुत बहुत चौड़े चौड़े बड़े थिक हो जाते हैं, फॉरहेड आपका बड़ा चौड़ा सा हो जाता है, फेस बहुत चौड़ा सा हो जाता है, तो आपकी बोन्स की थिकनेस बढ़ जाती है क्योंकि लेंथ में तो बढ़ नहीं सकती। ठीक है, जो मैं आपको एग्जाम्पल दू, डॉर्फिज्म क्या होता है, अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन आपका कम सिक्रीट हो तो आपके पास जाता है डॉर्फिज्म। आप लोगों ने देखा होगा स्नो व्हाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स, या आप लोगों ने देखी होगी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, उसके अंदर वो देखे थे ऊंपा लूंपास, जो कि फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स थे। एक्रोमेगली जॉन्स की नक है यार, मैंने उससे पूछा है नहीं, मैं मुझे दिख, वो असल में किसी को दिखता नहीं है ना, तो अभी तक हमें पता नहीं चल पाया। एनीवे, तो अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन अंडर सिक्रीशन हो रहा है तो डॉर्फिज्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल होगा जिसको डॉर्फिज्म हुआ है उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, वो छोटा सा रह जाएगा। ठीक है, वो छोटा सा रह जाएगा, वो बड़ा नहीं हो पाएगा। एक बात आप लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि वो आगे जब हम पढ़ेंगे कोर्स के दौरान वहां पे आएगा। ग्रोथ हार्मोन की अंडर सिक्रीशन से हाइट तो छोटी रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम आगे जाके एक और बीमारी पढ़ेंगे, क्रिएटिनिज्म। बेसिकली हम एक थायराइड बीमारी पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होता है कि वहां पे भी स्टंटेड ग्रोथ होती है, लेकिन साथ साथ वहां मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती, यहाँ से आपकी ग्रोथ छोटी रह जाती है। ठीक है, आखिरी हमारे पास चीज है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसके अंदर हाइपोथैलेमस की नर्व एंडिंग्स आ रही होती है, जैसे बना के दिखाया था। अच्छा जस्ट बाय द वे, दिस इज द सेकेंड लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड आने वाली है, उस तक रुक जाए, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना कोई हार्मोन नहीं बनाता, हाइपोथैलेमस के हार्मोन बना के रखता है। इनका नाम होता है एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये दोनों के दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस से बनते हैं, पर पीपीजी में स्टोर होता है। अच्छा, इसको मैं जितेज से इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि ये सारी वो बातें जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इस पूरी स्लाइड में एक ऐसी बात नहीं लिखी हुई जो हमने लेक्चर में ऑलरेडी ना पढ़ी। ठीक है, एडीएच का काम भी लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन का काम भी लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनते हैं कहाँ पर, है क्वेश्चन आप लोगों से, कहाँ पे बनते हैं एडीएच ऑक्सीटोसिन, कहाँ पे बनते हैं? बनते हाइपोथैलेमस, स्टोर कहाँ पे होते हैं? स्टोर कहाँ पे होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होते हैं। अगर पेपर में आपसे पूछ लेना कि ऑक्सीटोसिन या एडीएच इज प्रोड्यूस्ड बाय, और वहां ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड हो लेकिन हाइपोथैलेमस ना हो, छोड़ के मत आ जाइएगा। पेपर पे लिख के मत आ जाइए सर यहाँ पे हाइपोथैलेमस नहीं था तो मैंने इसको मार्क नहीं किया, ये सब मत करके आ जाएगा। इन दैट सिनेरियो आप पिट्यूटरी ग्लैंड ही मार्क करेंगे, वहां पे आप उसको छोड़ेंगे नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, AKU के टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है। MD कैट में अगर आ भी जाते कॉन्ट्रोवर्शियल, कि अगर उन्होंने पूछा एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आप प्रोड्यूस बाय, और वहां पे हाइपोथैलेमस नहीं दिया लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है, तो कॉमन सेंस यही कहता है कि भाई पिट्यूटरी लगा दो, पिट्यूटरी इसका मतलब सही आंसर। ठीक है, ये नहीं कि छोड़ के आ रहा है। अच्छा, अदर नेम ऑफ फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली ये आपकी सारी प्रोविंसेस की बुक्स का एक क्रक्स है कि हर तरह से यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। मसला ये है कि इनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो आपकी बुक में नहीं होंगे लेकिन आपके टेस्ट में आ चुके हैं, तो इसलिए बस ये दिखाना जरूरी था। उसके बाद क्लास एंडेड। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का नाम होता है सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का नाम सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिव हार्मोन का क्या नाम होगा? अगर GHRH का नाम सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो GHIH यानी इनहिबिटिंग हार्मोन का नाम क्या होगा? कॉमन सेंस। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का नाम है सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का नाम होता है सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग, यहां भी आ गया हार्मोन, यहां भी आ गया। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटिंग हार्मोन कुछ नहीं होता, उसका नाम होगा सोमैटोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन या सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटिंग हार्मोन कुछ नहीं होता, इट वुड आइदर बी सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, जो लोग कह रहे सोमैटोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, मैंने पूछा इसीलिए था, जो स्लाइड मैंने लिखा नहीं था, लेकिन ये इसका दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन। थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम होता है थायरोट्रोपिन। टेट्राहाइड्रोथायरोनिन का नाम होता है थायरोक्सी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम होता है इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन का नाम होता है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन हम कलेक्टिवली कहते हैं FSH, LH और प्रोलैक्टिन को। ADH आप सबको ही पता है, वैसोप्रेसिन को कहते हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। जाइएगा कहीं मत, कुछ क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद एक अनाउंसमेंट है, फिर आप जा सकते हैं। यहाँ तक आज की क्लास में किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई बात समझ में ना आई हो, कुछ पूछना हो तो पूछें, वरना उसके बाद हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, आंसर बताएं, व्हाट अटैचेस द पिट्यूटरी ग्लैंड टू द हाइपोथैलेमस? मैंने बताया था कि एक डंडी के जरिए कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस से। वेरी गुड, इनफंडिबुलम। ठीक है, अच्छा, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसका क्या आंसर है? बी, एडीएच हाइपोथैलेमस नहीं बनाता। सी, क्योंकि ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। लास्ट क्वेश्चन, वेसोप्रेसिन किसकी एग्जाम्पल है? पेप्टाइड हार्मोन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था, बस ये मुझे करवाना था, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा था। अब ये पास पेपर का क्वेश्चन है कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस, ऑल्दो प्रोड्यूस तो नहीं करता लेकिन अब ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें? तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। ठीक है,
एक दोबारा से ये जो ये वाली जो जो लोग शुरू में ज्वाइन नहीं किया हुआ था वो अगर चाहते हैं अनाउंसमेंट सुनना तो दोबारा सुन लें। अच्छा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक बोथ हेयर इन द चैट एंड ऑन द व्हाट्सएप डेमो ग्रुप, ठीक है? आई वुड लव अलॉट, कुछ भी जो भी आपको फीडबैक देना है जरूर दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा जरूर, ठीक है? आई वुड रियली लाइक दैट। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू स्लाइड्स रिव्यू चलो मेरा नहीं है, मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो अल्टीमेट प्रिपरेशन कोर्स, ये जो कोर्स है ये AKU MD CAT NUMS और तमाम प्रोविंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पंजाब के लिए हो, सिर्फ सिंध के लिए हो, सिर्फ फेडरल के लिए हो, नो, बट दिस कोर्स इज फॉर ऑल द प्रोविंसेस। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन होती है। आज की डेमो क्लास के बाद इस आप लोगों को इसका अंदाजा हो ही गया। आप लोग लास्ट ईयर के हमारे पास रिव्यूज हैं ये सारे, इसके अलावा हमने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी दीगर रिव्यूज पोस्ट किए हैं। यू नो दीज आर बिल्कुल ही सही रिव्यू है, कोई सेल्फ वो नहीं है, मेरी सेल्फ में नहीं है। इवन आप चाहें तो जो ये स्टूडेंट्स हैं हमारे लास्ट ईयर के, उन्होंने उन पोस्ट के ऊपर कॉमेंट भी किया है, आप उनसे डायरेक्ट भी जाके पूछ सकते हैं। तो ये कुछ रिव्यूज है हमारे लास्ट ईयर के, और बाकी रिव्यूज देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप जा सकते हैं। इस साल सीजन टू में हम तीन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, एमडी कैट नम्स बेसिक, एमडी कैट प्लस नम्स एडवांस, और एक AKU MD CAT और NUMS। ये जो फीचर्स हैं यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, कि बेसिक के अंदर आपको ये चार चीजें मिलेंगी, लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग और टीचर सपोर्ट। एडवांस के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, जिसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, वीकली क्विजेस, मंथली टेस्ट, सप्लीमेंट्री क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एडवांस में। और जो AKU MD CAT NUMS है उसमें ये सारी चीजें तो मिलेंगी, और साथ साथ AKU की स्पेशल क्लासेस। AKU का जो कोर्स होता है इट इज वेरी एक्सटेंसिव एज कम्पेयर टू दी एमडी कैट, मतलब एमडी कैट से डबल सम इतने कोर्स होते हैं। तो AKU स्पेशल जो हमारा कोर्स है उसके अंदर आपको AKU की क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है? 12 नवंबर 12 नवंबर तक यानी ट्यूजडे तक इसके ऊपर एक 30% अर्ली बर्ड डिस्काउंट लगा हुआ है। ये ओरिजिनल प्राइसेस है, लेकिन ट्यूजडे तक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, जिसके बाद पूरे कोर्स की प्राइस है ये, यानी बेसिक की 7,000, एडवांस की 10,000 और एमडी कैट नम्स AKU की 16,000। अच्छा ये जो है ना, दिस इज अ वन टाइम पेमेंट, एंड आप मतलब जब कोर्स आपका स्टार्ट होगा 23 क्या कहते हैं 23 नवंबर से एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट है, तो 23 नवंबर से लेके अगले साल जब तक आपने एमडी कैट नहीं होता तब तक के लिए टोटल ये पूरी पेमेंट है। ये मंथली पेमेंट नहीं है कि इस हर महीने 7,000, हर महीने 10,000, नहीं, वन टाइम पेमेंट है 10,000, दैट्स इट। उसके अंदर आपका पूरा कोर्स कवर होगा और वो सारी फीचर जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं। दिस वॉज द अनाउंसमेंट फॉर दोज हु मिस्ड इट इन द बिगिनिंग। बाकी जिसके जो क्वेश्चन थे वो मुझसे पूछ सकते हैं आप इसके अंदर, टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, आई वुड लाइक टू आंसर देम। इफ यू गैस डोंट हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू लीव।